इस समय बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। जो भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा है वो बुरी तरह चोटिल हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं, रोहित शर्मा की एक गलती ने इस T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से उन्हें बाहर कर दिया। दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं इस खबर को विस्तार से तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों ये T20 वर्ल्ड कप अब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। इस T20 वर्ल्ड कप के लिए अब चारों ही टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। वो टीमें हैं न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इंडिया और पाकिस्तान। दोस्तों जो पहला सेमीफाइनल खेला जाना है वो खेला जाएगा 9 तारीख को, वहीं जो दूसरा सेमीफाइनल होगा वो 10 तारीख को होगा और भारत का जो सेमीफाइनल इंग्लैंड से है वो 10 तारीख को खेला जाएगा। ऐसे में सारी टीमें जोरों शोरों से प्रैक्टिस कर रही हैं। लेकिन दोस्तों इसी प्रैक्टिस सेशन के दौरान एक बहुत ही बड़ी घटना घट गई जो सभी को काफी ज्यादा हैरान करने वाली है। दोस्तों दरअसल मैं आपको बता दूं, आज सुबह जब रोहित शर्मा प्रैक्टिस कर रहे थे तभी वो अपने दाएं हाथ में चोटिल हो जाते हैं। दरअसल बॉलर्स द्वारा फेंकी गई गेंद जाकर उनके हाथ में लगी और रोहित शर्मा उसमें प्रोटेक्शन नहीं लगाए हुए थे, जिसकी वजह से वो अपने हाथों में चोटिल हो गए। दोस्तों अब देखने की ये बात है कि रोहित शर्मा अगला मैच खेलते हैं या नहीं। अगर रोहित शर्मा ठीक नहीं होते हैं तो वो T20 वर्ल्ड कप से बाहर भी हो सकते हैं, यानी कि वो सेमीफाइनल भी नहीं खेल सकते। आई होप ये जो रोहित शर्मा का इंजरी है ये सही हो जाए और वो सेमीफाइनल मुकाबला खेल सके, क्योंकि भारत का जो अगला मुकाबला है वो जीतना बेहद ही जरूरी है।